तो हेलो दोस्तों, मैं रंजीत और आप देख रहे हो माय स्मार्ट ऐप। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, कुछ एप्लीकेशन एंड कुछ और एक्टिविटी की वीडियो आप बनाते हो, जैसे आप मोबाइल स्क्रीन करते हो एंड वो वीडियो एडिट करके आप अगर यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो, तो भाई आज का लोग इसे नूब एडिटिंग कहती है। और मोबाइल की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग की जो है तीन चार तरीका होता है, डिफरेंट डिफरेंट टिक्स हैं जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और वो वीडियो एडिटिंग आपकी जो व्यूअर्स हैं वो देखेगा तो आपको एक प्रो यूट्यूबर समझेगा कि भाई हाँ, इस बंदे ने जो है कुछ किया है। आप समझ रहे हो ना बात, क्योंकि आजकल भाई शो ऑफ पे ही लोग चलते हैं, दुनिया चलती है भाई। मतलब तुम्हारे पास शो ऑफ नहीं है तो कुछ नहीं हो तुम, ठीक। तो तुम अगर ऐसे कुछ वीडियोस बनाते हो तो इस वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो पे मैं तीन से चार तरीके बताऊंगा जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन को जो है एडिट कर सकते हो, वो भी कैनन मास्टर को यूज़ करके। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर तुम्हें पसंद आ जाती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। एंड इस चैनल पे मैंने वीडियो एडिटिंग एंड यूट्यूब टिक एंड टिप्स के बारे में बता दे रहा था, तो मेरी कंटेंट अगर तुम लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड जितनी भी मटेरियल मैं इस वीडियो पर यूज़ करने वाला हूँ उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, तो आप चाहती हो तो उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकती हो। और दोस्तों, तुम अगर काइनी मास्टर डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकती हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, मोबाइल की स्क्रीन पर जाके दिखाता हूँ कि कैसे एडिटिंग कर सकती हो तुम। तो दोस्तों, आप वीडियो को जस्ट एंड तक देखना, फिर यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना एंड जो भी स्क्रीन आपने रिकॉर्ड की थी उसको आपको फास्ट मीडिया पे ले लेना आपको, ठीक है। एंड पिन एंड जूम के ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना एंड ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। दोनों फिंगर से आपकी ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन रिकॉर्डर की जो वीडियो है, इसको आपको फुल स्क्रीन कुछ ऐसा आपको कर लेना। देन सिंपली आपको टिक पे क्लिक कर देना, वीडियो पे क्लिक करो, आपको उसके बाद लेयर पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको इफेक्ट पे क्लिक कर देना। बेसिक ब्लर जो है आपको वो सिलेक्ट आपको यहाँ पे कर देना, ब्लर पे क्लिक करके आप फुल स्क्रीन कर लो। एंड आपकी ड्यूरेशन के हिसाब से जो है ब्लर को भी दे देना नीचे, आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना एंड ब्लर की जो है आपको उसको हाई कर देना थोड़ा सा। देन आपको फिर से क्लिक कर देना लेयर पे, लेयर पे क्लिक करके आपको वही जो स्क्रीन रिकॉर्ड अपनी वीडियो है उसी वीडियो को आपको ले लेना। यहाँ पे आपको साइड पे कुछ ऐसे ब्लैक है तो इसको आपको क्रॉप करना है, तो नीचे यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं ओके, तो ये क्रॉप की बटन, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्रॉप कर देना है एंड मास्क पे क्लिक करके आपको स्पेस को कुछ, ये जो स्पेस है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना एंड टिक पे आपको क्लिक कर देना। फिंगर से आप थोड़ा सा बड़ा कर लो एंड फिर से आपको लेयर पे क्लिक कर देना, मीडिया पे क्लिक करके आपको एक मोबाइल की फ्रेम को जो है अभी ऐड करना है। तो ये जो मोबाइल की फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से जो है परफेक्टली फिट करना है ताकि लगे कि ये ओरिजिनल एक मोबाइल है। एंड आपकी जितनी ड्यूरेशन है उस हिसाब से आपको इसको फुल कर देना। एंड गाइस, आप जब वीडियो देखोगी ये ऑसम लुक देता है। तो आप अगर कुछ इस तरह की जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, लाइक मोबाइल की स्क्रीन अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप, और जो भी वीडियो देखेगा ना उससे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, तो सिंपली आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये हो गया पहला टिक। तो दूसरा, यहाँ पे मीडिया पे फिर से क्लिक कर देना है आपको। फास्ट आपको एक जो है मीडिया पे क्लिक कर देना फास्ट एंड आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो ब्लैक, एंड आपकी वीडियो की ड्यूरेशन के हिसाब से इसको आपको बड़ा कर लेना है। देन सिंपल आपको टिक पे क्लिक कर देना एंड फिर से आपको लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर देना, जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड की थी अपनी उस वीडियो को आपको ले लेना है नीचे एंड कुछ इस हिसाब से आपको एंगल कर देना है। उसके बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना, फिर से आपको लेयर पे क्लिक कर देना, और एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये कुछ इस तरह का वीडियो है, तो इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना। उसके बाद आपको क्रोमा की को ऑन कर देना यहाँ पर,
एंड पीछे जो आपकी स्किन है इसको आपको क्रॉप करके अभी ये जो मोबाइल की फ्रेम है इसके पीछे आपको फिट करना है। तो यहाँ पे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। एंड जिस एंगल से आपकी मोबाइल की फ्रेम है उसी एंगल के साथ आपको मैच कराना है यहाँ पे, एंड आपको फुल स्किन कर देना है। ऐसे लगे कि यहाँ पे एक मोबाइल है एंड मोबाइल के स्किन पे जो है आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो दिखा रहा है। एंड लाइक आप देख सकते हो ये भी काफ़ी ऑसम लुक देता है। तो आप अपनी वीडियो को कुछ इस तरीके से भी एडिटिंग कर सकती हो। एंड कुछ यहाँ पे आप लोगो वगैरह दे सकते हो अपनी चैनल के नाम वगैरह, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है। देन सिंपली यहाँ पे जो भी पोजीशन पर फिट करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको कलर पे सिलेक्ट कर देना, जो कोई भी कलर आप जो भी पसंद आती है आपको वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट भी हैं, तो आप एक सिलेक्ट करके जो भी आपको पसंद आती है वो आप यूज़ कर सकते हो। और आप इस तरह की जो वीडियो है वो भी काफ़ी ऑसम लुक देता है। एंड जब आप देखोगे ये वीडियो, ये काफ़ी प्रोफेशनल जो है लुक देता है ये वीडियो, तो आप इस तरीके से जो है वीडियोज़ को एडिटिंग कर सकते हो। देन यहाँ पे और एक ट्रिक्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एडिटिंग की, तो वो फिलहाल एक जो है बैकग्राउंड के ऊपर होती है, जैसे कि आप अपने चैनल के नाम के ऊपर या साइड पे कुछ सब्सक्राइबर शेयर वगैरह कुछ ऐसे भी टाइप कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन को यूज़ किया टेक्स्ट इफेक्ट, तो आप प्ले स्टोर से जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन से बहुत ही अच्छे खासे आप जो है बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो विथ टेक्स्ट के साथ, आपके चैनल के लोगो नाम के साथ लोगो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ले लेना है आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर, जो आपको लेयर पे क्लिक करके लेना है वीडियोस कैनी मास्टर की। देन यहाँ पे आपको स्पेस करके वही सेट करना है जो आप पहले किया था, जैसे कि आपको मोबाइल की फ्रेम यहाँ पे ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देने के बाद आपको फिर से यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन को जो है ले लेना है और आपकी मोबाइल की स्क्रीन को कुछ इस तरह की जो है फिट कर देना। तो गाइज यही है तीन तरीका जो आप मोबाइल की स्क्रीन को जो है वीडियो बनाती हो रिकॉर्ड करके, तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो काइने मास्टर को यूज़ करके। सो गाइज यही थी वीडियो, आई होप तुम लोगों को बढ़िया लगा हो। अगर बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड इस चैनल पे मैंने यूट्यूब टेक एंड टिप्स और एडिटिंग के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।